कि इन्होंने एक अफवाह फैलाई आरएसएस ने कि मुसलमान 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करता है, इससे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की घटती जा रही है। इस तरह की ये लोग बात करते हैं। तो लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ मोदी को, अमित शाह को और इनकी पूरी सरकार को, आरएसएस के मुखिया को, हैं जितने भी सोकार हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, वो मुझे कहीं से भी एक घर ऐसा बता दें मुसलमानों का जिसके 4 बीवियाँ हों मौजूदा में, 4 बीवियाँ हों और 40 बच्चे उससे पैदा किए हों। ये इस तरह से अपराध फैला के ये मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं कि जिससे कि हम दलितों का जो रुझाव या आदिवासियों का रुझाव जो इस्लाम की तरफ हो रहा है वो न हो। ये समझते हैं, ये हिंदू समझ रहा है कि इस्लाम उनकी मौत का पैगाम है, हिंदुत्व की मौत का पैगाम है। को इस्लाम ने हमें बराबरी दी है, संविधान से पहले हम यहाँ जो इस्लाम आया 712 में वहाँ से ये बराबरी का सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने तो गैर बराबरी, ये कुत्ते बिल्ली को छू सकते थे, हम दलितों को अछूतों को हमें अछूत बना दिया, हमें नहीं छू सकते थे। और फिर कितने जुल्म किए इन्होंने हमारे पास, जुल्म की लंबी कहानी है। यहाँ जाति के आधार पर जुल्म होता है, जाति के आधार पर नफरत होती है। और इस्लाम जो इस्लाम से इनकी लड़ाई है, जो जैसा मुझे लगता है कि इस्लाम मसावात का पैगाम लेके आया, बराबरी का पैगाम लेके आया। आज भी मुसलमान जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को अपने घर में बैठा के मेहमान नवाजी कराएगा, खाना खिलाएगा, ये ठाकुर बामन मनिया भी 100 साल तक हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये निश्चित तौर से जो इस्लाम का जो बढ़ता हुआ प्रभाव वर्ल्ड वाइड दुनिया में जो इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा है, उस प्रभाव को इंडिया में कम करना चाहते हैं। और उसके लिए यूनिफॉर्म कि भाई मुसलमानों का कोई नहीं, अगर ऐसा होता तो संविधान निर्माता ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों बनाते, ईसाइयों के लिए अलग कानून क्यों होता शादी का, विवाह का या डाइवोर्स का, और फिर अभी रिसेंटली इन्होंने ये आनंद एक्ट बनाया सिखों के लिए, तो ये कहाँ यूनिफॉर्म कहाँ होगा? ये पंजाब में लागू कर नहीं सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और ये नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं कर सकते, आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या 10% सवर्ण हिंदुओं का देश है क्या? उनकी मर्जी चलेगी, उनके हिसाब से देश चलेगा? तो ये सारी बदमाशी है। मैं एक बार फिर अमित शाह को चैलेंज करता हूँ, मोदी को चैलेंज करता हूँ कि ये एक भी मुसलमान ऐसा पेश करें जिसके 4 बीवी और 40 बच्चे हों, या अफवाह फैलाना बंद करें या कुर्सी छोड़। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं कि एक ही कानून से पूरा देश चले, ये इनकी मंशा है। और असल में टारगेट तो क्या है कि मुसलमान को डिस्टर्ब करना है, मुसलमान को जो धर्म की जो है उनके लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिससे वो शादी ब्याह तलाक उससे गवर्न होते हैं। सिखों का आनंद एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट है, उनके लिए भी अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए भी अलग कानून है, वो अपने हिसाब से शादी करें। और यहाँ तक कि यहाँ ट्राइबल में भी, हमारे यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनमें भी शादी की अलग परंपराएँ। अगर दूसरे देश के दूसरे कोने में जो दूसरा समाज है या दूसरा हिंदू समाज है उनकी अलग परंपराएं, ये रीतियां रिवाजें जो विविधता में एकता है, इन सारी विविधताओं के बाद में भी भारत एक है, उस एकता का ये इनको मतलब इनको एक तरह से कहा जाए कि इनको चुभ रही है कि सब एक क्यों हैं, या मुसलमान चैन से क्यों जी रहा है, ये दलित कौन चैन से क्यों जी रहा है, आदिवासी क्यों कर रहा है। ये तो उन्हीं के हिसाब से चलें, उनके धर्म का हिसाब से शादी संबंध करें और तर्ज करें। तो इसलिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ये हिंदू राष्ट्र को यहाँ कायम करना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ एक मजबूत कदम इनका है आरएसएस वालों का, जिसे ये लागू करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, और वहाँ उनको संगमा साहब ने तो साथ में सोचा नहीं कर सकते हैं। हाँ, गोवा में ये गोवा के इसको मॉडल को लेके आ रहे हैं। ये इसने जो जाहिल प्रधानमंत्री है हमारा, उसने ये बोला है कि हम गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, वहाँ 2 शादी हैं अलाउ हुए हैं, तो इनको बड़ी दिक्कत है। ये जो संविधान है हमारा, संविधान में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 29 तक हमें धर्म की आज़ादी देता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाएं, उसके रीति रिवाज को अपनाएं, ये हमारा ये जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार पर चोट ये UCC के माध्यम से हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से ये उस पर चोट हो रही है। और जैसा कि ये कुछ जो हैं जो ना समझ और नालायक किस्म के जो लोग हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर इसके विरोधी थे,
बताते हैं यूसी सॉरी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर थे। अगर डॉक्टर अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर होते तो वो संसद में ये जो लाए थे हिंदू कोड बिल लाए थे, हिंदू कोड बिल नहीं लाते, ये मुस्लिम ये जो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आते। और मतलब ये जो हिंदू सिविल कोड से जो हिंदू कोड बिल में के जरिए यहाँ की जो महिलाओं को बराबरी का जो हक दिलवाना चाहते थे वो इन्होंने नहीं देने दिया। 4 महीने तक उस पर हिंदू कोड बिल पर बहस हुई पार्लियामेंट में, उसके बाद नेहरू ने उसको थंडे बट्टे में डाल दिया, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। महिलाओं को अधिकार देना, महिलाओं को तो ये जो ब्राह्मण है ठाकुर है उसे पाप होने से पैदा बताते हैं।